जमाल गोटा है गुणों की खान, गंजेपन से लेकर कब्ज तक मिलता है आराम। जमाल गोटा एक ऐसा पौधा है जो गंजेपन, स्वप्न दोष, लंबे समय से चली आ रही कब्ज आदि के इलाजों के लिए काफी उपयोगदायी होता है। इसके पेड़ लगभग 15 से 20 फीट ऊंचाई होती है। यह उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है। इसके पत्ते 2 से 4 इंच लंबे, पतले, चिकने और 3 से 5 सिराओं वाले होते हैं। जमाल गोटा के शुद्ध बीजों को पेस्ट गंजेपन का इलाज करने के लिए और सिर पर लगाया जाता है। इसे प्रतिदिन लगाने से गंजापन ठीक हो जाता है। जमाल गोटा करे कब्ज का इलाज। इसके बीज के पाउडर को 20 से 30 मिली की खुराक में दिया जाता है, जिससे जलोदर और गंभीर कब्ज जैसी समस्या इलाज होती है। एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों के उपाय के लिए पेस्ट त्वचा पर लगाएं। बवासीर में इसकी जड़ के पेस्ट को बाह्य रूप से उपयोग किया जाता है। पेस्ट को जमाल गोटा या क्रोटेन की जड़ों और छाछ के बारीक पाउडर को उपयोग करके बनाया जाता है। यह पेस्ट बाहरी बवासीर पर लगाया जाता है, जिससे बाहरी बवासीर सिकुड़ जाता है और सूख जाता है। इससे सूजन कम होती है और मरीज को बवासीर के लक्षणों से राहत मिलती है। यह केवल गौर रक्त स्त्राव के बवासीर के लिए प्रभावी है। इसके पेस्ट को पानी या क्रोटेन की जड़ की बाहरी छाल का उपयोग कर तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को फोड़े पर लगाया जाता है। यह पेस्ट फफोले फोड़े में मदद करता है। यह पाचन और अवशोषण को सही करता है। इसमें खून साफ करने के भी गुण पाए जाते हैं। यह रस साफ रोग में बहुत लाभदायक होता है। पित्त के असंतुलन होने पर भी कटु रस पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे करें उपयोग। बीजों को 6 से 12 मिलीग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है। अतिरिक्त उपयोग के लिए तेल को 1 बूंद की मात्रा में लिया जा सकता है। नुकसान। जमाल गोटा के बीजों के तेल के गंभीर विरेचन के कारण पेट में निर्जलीकरण और दर्द हो सकता है। उच्च एकाग्रता के लगाने पर तेल त्वचा में फफोले पैदा हो सकते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल के लिए आपने चिकित्सक सलाह जरूर लें। जमाल गोटा करे कब्ज का इलाज। इसके बीज पाउडर को 20 से 40 मिली खुराक में दिया जाता है। इससे जलोदर और गंभीर कब्ज जैसी समस्या दूर होती है। जमाल गोटा के बीज है एक्जिमा के लिए उपचारकारी। एक्जिमा जैसे त्वचा के रोगों के लिए जैफ पाल के बीजों का पेस्ट त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। इससे काफी आराम मिलता है। जमाल गोटा के फायदे। करे सांप का जहर का इलाज। सांप काटने के जगह पर जहर के मामले में जयफाल के बीज का पेस्ट नींबू रस में मिलाया जाता है और कैलोरियम के रूप में पेश किया जाता है। इसके अलावा जमाल गोटा 100 मिलीग्राम पाउडर में 1 काली मिर्च को पीस कर पानी के साथ पिलाने से उल्टी होकर जहर निकल जाता है। जमाल गोटे का सेवन आंत के कीड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आंत के कीड़ों के इलाज के लिए 20 मिलीग्राम जमाल गोटा के बीज को गर्म पानी के साथ दिया जाता है। फोड़े फुंसी में है बहुत उपयोगकारी जमाल गोटा। इसके पेस्ट को पानी के क्रोटन की जड़ की बाहरी छाल का उपयोग कर तैयार कर लें। इस पेस्ट को फोड़े पर लगाएं। यह पेस्ट फफोले फोड़े में बहुत मददकारी होती है। कुछ लोग एंटीसेप्टिक प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग करते हैं।